नमस्कार, यदि आप आधार से निकासी का काम करते हैं, एईपीएस संचालक हैं, तो आपको 2024 का लिमिट जान लेना चाहिए कि कौन सा बैंक का कितना लिमिट है और आप कितने निकासी कर सकते हैं किस बैंक का। इस वीडियो में आपको हम डेली लिमिट भी बताएंगे, जो कि नया अपडेट के अनुसार डेली लिमिट क्या निकासी कर सकते हैं आधार निकासी और मंथली क्या कर सकते हैं सब कुछ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आधार निकासी पर ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सिस लिमिट, ये मैक्सिमम अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन में इस तरह का एरर आपको देखने को है। लेकिन वैसे में 2024 के अंदर जो लिमिट आया है कि कौन सा बैंक का आप कितना निकासी कर सकते हैं, इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। नया लिस्ट देखेंगे हम लोग कि 2024 में कौन सा बैंक ने कितना लिमिट दे रखा है और कितना मंथली आप निकासी कर सकते हैं और कितना डेली का निकासी कर सकते हैं। तो नया अपडेट एईपीएस के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आधार निकासी कैश विड्रॉल लेने की एईपीएस ट्रांजेक्शन के बारे में। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर डेली लिमिट भी दिया हुआ है और मंथली लिमिट भी दिया हुआ है। पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, बैंक नाम भी दिया हुआ है और डेली लिमिट यानी कि एक दिन का कितना है और मंथली कितना है, मैं सभी बैंकों का लिस्ट दिखा दिया हूं, जैसे कि आप स्किप करके इसे चेक कर सकते हैं आसानी से।